जय श्री राम दोस्तों, और कपिल डिजिटल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप फेसबुक मोनेटाइजेशन पर काम करने की सोच रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा कि फेसबुक मोनेटाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करते हैं चीजें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा फ्रेंड्स। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखो, फेसबुक मोनेटाइजेशन भी यूट्यूब की तरह ही काम करता है। जैसे यूट्यूब पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं, देन उसी तरीके से हम फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए भी वीडियोस अपलोड हम करते हैं। मैंने अपनी और वीडियोस बताई हुई हैं आपको, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जैसे किस तरीके से आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से डाउनलोड करना होगा। देखो, उसके लिए फेसबुक पर काम करने के लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है कि किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो। ओके, जैसे अगर आप काम करना चाहते हो मूवीज के ऊपर, या कॉमेडी कपिल शर्मा के शो के ऊपर, या किसी भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो, तो उनकी वीडियोस को सिंपल आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आप उनको, उनकी क्लिप, छोटी छोटी क्लिप बनाकर आप उसको रख लें, फिर उसको आप अपलोड करें। जैसे देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अभी काम कर रहा हूँ मूवीज के ऊपर, तो देखो मैंने कई सारी मूवीज यहाँ पर डाउनलोड की हुई है। इनकी मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ, 10-10, 15-15 मिनट की देखो बनाई हुई है, और इनको मैं अपलोड करता हूँ वहां पर, ठीक है। बट इनको थोड़ा सा अपलोड करने का एक तरीका होता है, किस तरीके से अपलोड की जाए जिससे कॉपीराइट ना आए, उसका भी एक तरीका होता है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि अगर आपको वो तरीका जानना है तो। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मोनेटाइजेशन जो होता है, फेसबुक मोनेटाइजेशन, वो कैसे काम करता है। ओके, देखो फ्रेंड्स, फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए हमारा कुछ क्राइटेरिया का कंप्लीट करना होता है। ओके, फेसबुक मोनेटाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, वर्क करता है हमारा इन स्ट्रीम एड, जो हमारा मेन होता है। ओके, और इन स्ट्रीम एड्स हमें ऑन करने के लिए हमको जो एलिजिबिलिटी है वो है हमारी 5000 फॉलोअर्स, यानी कि जो हमारा फेसबुक का पेज होगा उसके ऊपर हमारे 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए, एंड 60000 टोटल एलिजिबल मिनट्स होने चाहिए, व्यूज होने चाहिए विद इन व्यूज इन 60 डेज। ओके, यानी कि 5000 फॉलोअर और 60000 मिनट्स होने चाहिए हमारे 60 दिन के अंदर, और 5 एक्टिव वीडियोस ऑन योर पेज। ओके, यानी कि आपका जो फेसबुक का पेज होगा उस पेज के ऊपर आपको 5000 फॉलोवर चाहिए, 60000 मिनट्स चाहिए, और 5 एक्टिव वीडियोस आपकी होनी चाहिए, तभी ये जो आपका इन स्ट्रीम का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद एक इसके अंदर अर्निंग का सोर्सेस और होता है, वो जो होता है सब्सक्रिप्शन का, और उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 10000 फॉलोवर होने चाहिए, या 250 रिटर्निंग वीडियोज होने चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए आपको 50000 पोस्ट इंगेजमेंट होने चाहिए, जैसे लाइक कमेंट्स वगैरह होते हैं ये, और या आपको 1,80,000 मिनट व्यूज आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होता है जो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव वीडियो। अगर आप लाइव वीडियोस कंसर्न करते हो तो, और अगर आप उसमें भी एड चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 10000 फॉलोवर्स की जरूरत पड़ती है, और 6 लाख टोटल मिनट्स के आसपास आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स, एक फोर्थ और होता है इसमें अर्निंग का, जो होता है स्टार। ओके, स्टार के लिए आपको सिंपल 500 फॉलोवर चाहिए, 300 कम से डे के अंदर, और 30 दिन आपका पेज ओल्ड होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, एक फेसबुक पेज से आप 4 तरीके से अर्निंग कर सकते हो, बट जो इनमें मेन अर्निंग होती है वो यही होती है इन स्ट्रीम एड के थ्रू। ओके, इन स्ट्रीम एड की जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमको पेज को एलिजिबल करने के लिए क्वालिफाई हमको इस चीज में होना पड़ेगा। ओके, 500 फॉलोवर, ये मिनट्स, और ये इतनी एक्टिव वीडियोज में। आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, और अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हो, उसके लिए आपको मूवीज के क्लिप, या जिस टॉपिक पर भी आप काम करना चाहते हो उसकी क्लिप्स आपको बना के रख लेनी है, देन उसको आपको अपलोड करते रहना होगा। ओके, अपलोड करने के लिए सिंपल आपको यहां पर कंटेंट वाले ऑप्शंस पे जाना होगा, और यहां पर जाकर आप अपने जो आपने क्लिप बनाई हुई है उस क्लिप को यहां पर आपको अपलोड कर देना। यहां से क्रिएट पोस्ट करना है, और यहां से आप उसको अपलोड कर देना। देखो, राइट वे यही होता है फ्रेंड्स अपलोड करने का। उसके अलावा आप जाके अगर डायरेक्ट पेज से भी अपलोड करते हो तो वो भी है, बट राइट वे यही है। ओके, यहां से जाओ, अपलोड कर दो, उसके बाद टैक्स वगैरह लगाओ, देन उसको पब्लिक कर दो, ठीक है। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरा, बताने का पर्पस यही था कि इसका मकसद क्या होता है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो फ्रेंड्स कमेंट से बता देना, और अच्छे से बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।